हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटिस्ट ऑनलाइन क्लासेस पीरो। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से रिलेटेड VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, उपचयन या ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। तो हम लोग उपचयन और ध्यान रखेंगे कि उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। इसके अलावा और पढ़े हम लोग क्या कि अपचयन को क्या कहते हैं हम लोग, अवकरण कहते हैं। तो उपचयन में क्या होता है, किसी पदार्थ से उपचयन में पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होता है, नहीं तो हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। इसके ठीक विपरीत अपचयन में क्या होता है, तो पदार्थ से हाइड्रोजन का योग होता है, नहीं तो फिर क्या होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ग्रहण होता है। तो जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है अथवा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, उसे क्या कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि उपचयन या ऑक्सीकरण किसे कहा जाता है, तो उपचयन या ऑक्सीकरण में क्या होगा, यहाँ पे पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का वियोग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा सभी होता है। अब देखिए उपचयन या अवकरण में, तो उपचयन या अवकरण में क्या होता है, पदार्थ से ऑक्सीजन का वियोग, तो देखिए इसमें ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, हटता है, हाइड्रोजन का योग होता है अभी बताया आपको, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, तो जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। तो ये तीनों अभी काम होता है अपचयन के अंतर्गत, तो अपचयन अवकरण में ये तीनों होगा, तो इसमें लिख देंगे सभी होता है। तो इसका जवाब भी होगा 2 का D, पहला का भी डी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो इससे बना हुआ आपको CO। तो यहाँ क्या हुआ, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला अभिक्रिया की ओर बढ़ते देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में, CuO+H2O। तो देखिए यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन जब यहाँ पर ये आया कॉपर, तो ध्यान दिया जाए इसके ऊपर, देखिए क्या हो रहा है, इसमें कॉपर से क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है आपको, तो ऑक्सीजन का अलग होना आपको कहलाता है अवकरण। तो अवकरण यहाँ पे होगा आपको, अवकरण हो रहा है, अवकरण क्या कहते हैं हम लोग, अपचयन। लेकिन यहाँ देखिए हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ भी जा रहा है ना, तो यहाँ तो कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ पे, तो इसको सही माना जाता है, यहाँ पे क्या होगा, अपचयन हो जाएगा, अवकरण हो रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया तो ऑक्सीजन कहते हैं अवकरण कहलाते हैं या अपचयन कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें देखा जाए पीबीओ से क्या बन गया, पीबी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन यहां से हट गया, तो ऑक्सीजन हट गया तो क्या हो गया, यहाँ पे पीबी का अवकरण हो गया, पीबी का क्या हो गया, अवकरण, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा, अवकरण। अब यहां देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तब बन गया यहाँ CO2, तो सी का क्या हो गया, कार्बन का क्या हो गया, अवकरण हो गया, कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया। तो यहाँ पे लिखा यानी कहने लगा कि CO2 जो हो गया क्या हो गया, उपचयित हो गया, और सीसा जो है वो क्या हो गया, अपचयित हो गया। तो यहाँ पे जवाब जो होगा आपको क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे सॉरी यहाँ लिखेंगे लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड जो PbO है वो क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, और कार्बन जो है क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है ना, तो ऑक्सीकरण इसका हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीकरण होने का मतलब क्या होगा, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा कि ये उपचयित हो गया। तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो कार्बन जो है उपचयित हो रहा है, और यहाँ लेड ऑक्साइड में से क्या हट गया, ऑक्सीजन हट गया, तो ये क्या हो गया, इसका जो हो गया अवकरण हो गया, ऑक्सीजन घटना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो अवकरण का मतलब क्या कि अपचयित होना, तो अवकरण को क्या कहते हैं हम लोग, अपचयित। तो अपचयित होना कहेंगे हम लोग, तो इसका मतलब कौन सा जवाब सही होगा, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और कार्बन जो है क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, तो 5वां का C नंबर जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि H2S+I2H2I+S में कौन उपचायक है। तो कौन उपचायक है याद रखिएगा, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है याद रखेंगे, जिसका ऑक्सीकरण होगा जिस पदार्थ का, वो क्या होगा, वो हो जाएगा अपचायक। ठीक है, और जिसका अवकरण होगा, अपचायक मतलब क्या, ऑक्सीकारक। देखिए एक ट्रिक याद कर लीजिए कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा,
माने जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होगा वो होता है अपचायक। अपचायक को क्या बोलते हैं हम लोग? अवकारक। जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा वो क्या होगा? अपचायक। अपचायक या अवकारक। और जिस पदार्थ का अवकरण होगा वो क्या कहलाएगा? उपचायक या ऑक्सीकारक। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे उल्टा थोड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या होगा? अपचायक। तो यहाँ पे देखिए आयोडीन का, सल्फर का क्या हो रहा है? सल्फर से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो सल्फर का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। तो सल्फर का अवकरण हो रहा है तो यहाँ पे सल्फर जो होगा क्या होगा? तो जिसका अवकरण होगा क्या हो जाएगा? वो उपचायक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो जिस पदार्थ, जिस अभिक्रिया में पदार्थ हाइड्रोजन अलग होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सीकरण। यानी समझने का मतलब क्या कि सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका मतलब सल्फर क्या हो जाएगा? अपचायक होगा। अपचायक या अवकारक होगा। अब देखिए आयोडीन के ऊपर देखा जाए, यहाँ पे गौर कीजिए, आयोडीन से हाइड्रोजन का योग हो गया। जिस पदार्थ हाइड्रोजन का, जिस अभिक्रिया में पदार्थ हाइड्रोजन का योग होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अवकरण अभिक्रिया। तो अवकरण जिसका होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उपचायक या ऑक्सीकारक। तो यहाँ अब किसका अवकरण हो रहा है? तो आयोडीन का अवकरण हो रहा है, क्योंकि आयोडीन में देखिए हाइड्रोजन जुड़ गया तब ना एच आई बन गया। तो जिसका अवकरण हुआ वही हुआ उपचायक। तो उपचायक को ये ऑक्सीकारक भी बोलते हैं। तो यहाँ उपचायक का काम कौन किया? यहाँ जो क्या काम किया वो क्या किया? आयोडीन। आई टू होगा इसका सही जवाब, छह नंबर का। सात नंबर क्वेश्चन में देखिए कौन उपचायक है? उपचायक मतलब क्या है? कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक कौन सा होगा? सी नंबर, ओ टू। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ की, देखिए आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, शरीर में भोजन का पचना, श्वसन और विकृत गंधिता, ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण क्या कहते हैं हम लोग? उपचयन। आठ का सही जवाब जो होगा ए नंबर। नौ नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन, तो दहन किसी पदार्थ का जलना भी जो होता है वो भी ऑक्सीकरण ही होता है। किसी पदार्थ का जलना भी क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण या उपचयन इसका सही जवाब जो होगा नौ का ए नंबर होगा। दस नंबर क्वेश्चन देखिए, वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधिता, तो वह विकृत गंदी हो जाती है, मतलब उसका स्वाद जो होता है अप्रिय हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि वो जो खाद्य पदार्थ होता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। जैसे वो खुला ऑक्सीजन के हवा के संपर्क में आएगा तो थोड़ा खराब हो जाता है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत होता है तो उपचयित होना, तो इसका सही जवाब जो होगा दस का ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विकृत गंधिता से बचने के लिए आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो उससे बचने के लिए चिप्स की थैली में कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहते हैं हम लोग? संक्षारण। चलिए क्वेश्चन नंबर तेरह, की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफी क्षति होती है, इस क्रिया को कहते हैं? तो वही संक्षारण। संक्षारण भी आप एक प्रकार का ऑक्सीकरण ही है। अगला क्वेश्चन है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में उपस्थित किसी तत्व का दूसरे तत्व द्वारा प्रतिस्थापन होता है कौन से अभिक्रिया कहलाती है? जैसे देखिए इसमें क्या कहने मतलब ये है कि जैसे ए प्लस सी डी कोई पदार्थ है तो ए क्या किया कि इसके ऊपर सी के ऊपर अटैक करेगा, तो यहां से सी को ये क्या करेगा? प्रतिस्थापित कर देगा, तो बन जाएगा पदार्थ आपको ए डी और सी अलग हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे लोहे की कील को आप डुबाइए कॉपर सल्फेट के विलयन में तो क्या बन जाता है? ए पी एस ओ फोर फेरस सल्फेट और कॉपर बन जाता है। तो क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक पदार्थ क्या किया? दूसरे पदार्थ में मौजूद परमाणु को हटा करके, कॉपर हटा करके यहाँ पे बैठ गया अपने। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया का कहते हैं हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया। तो चौदह का हो जाएगा बी नंबर सही जवाब। पंद्रह नंबर क्वेश्चन देखिए, जेड एन प्लस सी यू एस ओ फोर यहाँ बन गया जेड एन एस ओ फोर, कौन सी अभिक्रिया हो रही है? देखिए ध्यान से, जेड एन क्या किया? सी यू के ऊपर अटैक करके सी यू को हटाया यहाँ से, तो क्या बन गया? जेड एन एस ओ फोर। देखिए जेड एन जो है ना, जिंक जो है कॉपर से अधिक सक्रिय है, तो ये अभिक्रिया कर लिया इससे, तो जेड एन एस ओ फोर बना दिया प्लस सी यू को हटा दिया यहाँ से। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही विकल्प क्या हो गया? यहाँ पे देखा जाए यहाँ विस्थापन अभिक्रिया हो गया। देखिए इसमें एक परमाणु दूसरे पदार्थ के परमाणु हटा करके वहां खुद जुड़ गया, इसमें विस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो कमरा का सही जवाब होगा बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग यौगिक अपने परमाणुओं या आयनों का परस्पर आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? जैसे इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ए भी कोई पदार्थ है और फिर पी क्यू पदार्थ है और ये अपने आयन का आदान प्रदान करते हैं। आयन का आदान प्रदान करेगा कैसे? देखिए ये ए प्लस हो जाएगा, बनेगा बी माइनस, यहाँ पर अगर इसको विघटित करेंगे तो पी प्लस और क्यू माइनस तैयार होगा। तो ए जो है, ए प्लस जो है ये क्यू माइनस के साथ जुड़ जाएगा और पी प्लस जो है ये बी माइनस के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पदार्थ जो बन जाएगा आपको ए क्यू प्लस क्या बन जाएगा? पी बी। और यहाँ परस्पर आयन का आदान प्रदान हो रहा है कि ये अपना आयन उसको दे दिया,
ये अपना है, देखिए यहाँ से बी जो है किसको दे दिया, बी है पी के साथ आ गया, क्यू जो है ना इसका इसके साथ आ गया, ए के साथ आ गया, तो इसको दोनों तरफ से आयन का दान प्रदान हो रहा है, माने ए भी ई भी पदार्थ आयन दे दिया और उस पदार्थ से भी आयन ले लिया, उस पदार्थ से आयन ले लिया और खुद दे भी दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्वि विस्थापन अभिक्रिया, दोनों तरफ से आयन का दान प्रदान हुआ, एक तरफ से नहीं हो रहा, दोनों तरफ से हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसका सही जवाब जो है 16 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए तो देखिए Na2SO4 है, तो आप गौर कीजिए Na प्लस SO4 माइनस माइनस, ठीक है, बेरियम में प्लस में देखिए बेरियम है, बेरियम सल्फेट, तब बेरियम पर प्लस प्लस और Cl पर क्या होता है माइनस। अब देखिए कैसे होगा, Na जो है ये किससे जुड़ जाएगा, Cl से जुड़ जाएगा, और बेरियम जो है किससे जुड़ जाएगा, SO4 से जुड़ जाएगा, तब ना बना है बेरियम सल्फेट और प्लस NaCl बना है, इससे जुड़ने से क्या बन गया यहाँ पे NaCl, यहाँ बन गया क्या BaSO4। तो आप सोचिए यहाँ पे देखिए परस्पर आयन का दान प्रदान होगा कि नहीं हो गया, ये अपना आयन इसको दे दिया, ये भी अपना आयन इसको दे दिया, तो जिसमें परस्पर आयन का दान प्रदान होगा वो सभी क्या क्या करते हैं हम लोग, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, इसका भी जवाब 17 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में भी एकदम सेम सिचुएशन, देखिए यहाँ ए भी है तो ए प्लस बी माइनस टूटेगा, सी डी है तो सी प्लस डी माइनस टूटेगा, अब यहाँ देखिए ये ए प्लस जो है किससे जुड़ जाएगा, डी से जुड़ेगा, तब ना बनेगा ए डी, और सी प्लस जो है बी से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा सी बी, देखा जाए कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। देखिए ये पदार्थ ए बी जो है दे दिया आयन अपना सी डी को, सी डी भी अपना आयन दिया ए बी को, तो यहाँ द्वि विस्थापन हो रहा है, दोनों तरफ से विस्थापन हो रहा है, इधर से भी और इधर से भी, तो इसका सही जवाब जो होगा क्या होगा, उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन, एक ही बात है, 18 का हो जाएगा सी नंबर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया Fe2O3 2Al L2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पे गौर कीजिए अल्मोनियम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से लोहा को विस्थापित कर दे रहा है, लोहा को हटा दे रहा है और खुद इस जगह पे जुड़ जा रहा है, तो यहाँ पे एकल विस्थापन हो रहा है, अभिक्रिया क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अल्मोनियम अपने लोहा को हटा दिया, लोहा हट के अलग हो गया और यहाँ पे खुद ये बैठ गया, तो इसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे कौन सा सही जवाब होगा, 19 का सी नंबर सही जवाब होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निहित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा, तो कह रहे हैं कि NaCl प्लस कॉपर, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि NaCl प्लस कॉपर, तो NaCl प्लस कॉपर, कॉपर के पास क्षमता नहीं है कि सोडियम को हटा सकता है, क्योंकि सोडियम खुद अपने सक्रिय धातु है, कॉपर से अधिक सक्रिय है, तो कभी भी याद रखिएगा कि कोई धातु जो है अपने से अधिक सक्रिय धातु को नहीं हटा सकता है, अगर ये अधिक सक्रिय होता है, कम सक्रिय होता है, इसको हटा देता है, लेकिन ये नहीं हटा सकता है। ऐसे ही देखिए MgCl2 को कह रहा है कि अल्मोनियम के साथ ही इसका विलयन, तो अल्मोनियम से अधिक सक्रिय है मैग्नीशियम, तो इसको भी ये सब ये भी नहीं हटा सकता, ये भी नहीं हटा सकता, कॉपर नहीं हटा सकता सोडियम को, यहाँ अल्मोनियम भी नहीं हटा सकता मैग्नीशियम, क्योंकि खुद मैग्नीशियम इससे ज्यादा एक्टिव है। अब यहाँ देखिए Fe SO4 प्लस सिल्वर धातु, ये चांदी, तो चांदी से अधिक सक्रिय है लोहा, तो ये भी नहीं हटा सकता, चांदी का हिम्मत नहीं है कि यहाँ पे आकर के बैठ जाएगा एपी के पास, इसलिए कि एपी खुद सक्रिय है, इससे ज्यादा सक्रिय है, लेकिन देखा जाए इसमें तो AgNO3 वाला विलयन के साथ कॉपर को देखा जाए, तो यहाँ देखिए चांदी से अधिक सक्रिय है कौन, कॉपर, तो कॉपर यहाँ पे क्या करेगा, चांदी को आसानी से हटा सकता है, जो ज्यादा एक्टिव एलिमेंट होगा वो कम एक्टिव एलिमेंट को जगह से हटा सकता है, तो कॉपर अधिक सक्रिय है किससे, चांदी से, तो इसलिए कॉपर जो होगा चांदी को हटा सकता है, तो इसका सही जवाब जो होगा ये आपको डी नंबर होगा, 20 का डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है, क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्मा क्षेपी, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्मा शोषी, तो ऊष्मा शोषी इसका मतलब 21 का जवाब जो होगा ए नंबर होगा, और 22 का जवाब जो होगा क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए तो ये कह रहा है कॉली चूना पर जब जल डाला जाता है, कॉली चूना किसको बोलते हैं, देखिए CO कॉली चूना का सूत्र है, इसके ऊपर जल डालेगा तो क्या होगा, अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया इसके क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और इसके फलस्वरूप क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा छेपी होगा ना, तो इसका जवाब जो होगा 23 का ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो दीवारों को सफेदी करने के लिए याद रखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी का उपयोग किया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बुझा हुआ चूना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बुझा हुआ चूना, या फिर इसको भखरा चूना भी कहा जाता है, भखरा चूना,
ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कली चूना, क्या बोलते हैं कली चूना या खाने वाला चूना, खाने वाला चूना। और कली चूना के ऊपर हम लोग जल डाल देंगे, इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। क्योंकि बिना बुझा हुआ चूना इसलिए इसको कहते हैं कि इसके ऊपर जल डालेंगे तो इसमें से ऊष्मा मुक्त होती है, तब जाके बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका उपयोग खाने में करते हैं, कली चूना को खाने वाला चूना भी बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कौन सा उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए जाता है, दीवारों को सफेदी करने के लिए आपको बुझा हुआ चूना या भखरा चूना का उपयोग करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सही जवाब होगा। 24 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 25। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब जहां पे ऑक्सीकरण और अकरण किसमें दोनों साथ साथ हो रहा है। तो ऑक्सीकरण मतलब क्या, ऑक्सीजन का योग, अकरण माने क्या, ऑक्सीजन का वियोग या हाइड्रोजन का योग। तो देखा जाए यहाँ पे लेड, लेड के साथ में, तो देखिए सब में ना हमको ऑक्सीजन का योग देखने को मिल रहा है ना हाइड्रोजन का वियोग देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला फेल हो जाएगा। अब आता है ऑक्सीकरण अकरण पहचानने का एक और तरीका है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि और कमी से ही पहचान सकते हैं। जैसे देखिए लेड यहाँ पे क्या है, फ्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन यही लेड जब यहाँ पर आ गया क्लोरीन के साथ में आ गया, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, प्लस टू। क्योंकि क्लोरीन एक क्लोरीन पर कितना होता है, एक को माइनस होता है, तो दो क्लोरीन दो को माइनस होगा क्लोरीन पर, तो इस पर लेड पर कितना होगा, पीवी पर दो को प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉपर है, तो कॉपर है यहाँ क्लोरीन एक है, तो यहाँ क्लोरीन एक क्लोरीन पर एक माइनस होता है, तो दो क्लोरीन दो को माइनस होगा, तो कॉपर पर कौन को प्लस हो जाएगा, दो को प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कॉपर की ऑक्सीजन संख्या कितनी है, प्लस टू। यहाँ कॉपर फ्री स्टेट में आ गया, तो ऑक्सीजन संख्या कितना हो जाएगा, जीरो। तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो कहां से, देखिए लेड का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या कि पीवी से पीवीसीएल टू के पास में जो अभिक्रिया हो रही है यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीकरण हो रही है। और अवकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है, देखिए सीयू का प्लस टू ऑक्सीकरण संख्या है, यहाँ पे कितना हो गया, जीरो। तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ 25 का जो सही जवाब होगा वो ए नंबर होगा, यही रिडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑक्सीकरण अवकरण पहचानने का ये भी तरीका है। देखिए अम्ल और क्षार के बीच होने वाले बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल बनते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। 26 का सी नंबर जवाब होगा। फिर और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में चुकी अभिक्रिया संपन्न हो रही थी, क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो 27 का जवाब हो जाएगा बी नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन देख, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है, तो कौन सा होता है, AGBR, इसी का उपयोग करते हैं ना फोटोग्राफिक तकनीक में। AGBR अपघटित होगा तो AG का काला अक्षेप बन जाता है, तो इससे क्या होता है, फोटो को प्रिंट किया जाता था टेक्नोलॉजी में, पहले सादा फोटो बनता था ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था, तो AGBR जो है ना प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। चलिए 29 नंबर, जब कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो आपको H2 गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो 29 का सही जवाब होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30, लौह चूर्ण के ऊपर क्या करना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है, तो इससे क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड और H2 गैस, फेरस क्लोराइड और H2 गैस बनेगा। तो कौन सा जवाब हो जाएगा आपको, ए नंबर हो जाएगा। देखिए CaCO3 इसको गर्म करते हैं तो अपघटित होगा किसमें, CaO और CO2 में, तो इसमें क्या हो, एक पदार्थ विघटित होकर के दो पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं, तो इस अभिक्रिया का कहते हैं हम लोग वियोजन संयोजन उभयगामी प्रतिस्थापन, तो क्या कहेंगे हम लोग, वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन हो रहा है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से दुग पदार्थ बट गया। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम लोग, वियोजन। तो 31 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर मिलेगा आपको, PbNO3 को लेड नाइट्रेट बोलते हैं, इसको गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मिल जाता है आपको लेड ऑक्साइड, फिर मिल जाता है क्या, NO2 प्लस O2। तो आपका जो सही जवाब होगा इसका क्या हो जाएगा आपको, देखिए NO2 और O2, क्योंकि PbO तो दिया नहीं है, तो NO2 और O2, इसका सही जवाब जो होगा 32 का डी नंबर होगा, 32 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, संतुलित करने मतलब क्या कि दोनों तरफ कुल परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। देखिए इधर मैग्नीशियम एक है, इधर मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो है, इधर ऑक्सीजन कितना, एक है, तो संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन देखिए इधर दो है, इधर हाइड्रोजन एक है, ये भी संतुलित नहीं है।
लोहा इधर एक है तो इधर एक लोहा है, इधर क्लोरीन दो है तो क्लोरीन इधर को गए एक है, इसका मतलब क्या कि संतुलित नहीं है। अगले क्वेश्चन देखिए, जेडन जिंक इधर एक है तो इधर भी एक है, सल्फर एक है तो इधर भी सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है तो यहाँ भी ऑक्सीजन चार है, H2 एक देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन दो है तो यहाँ भी हाइड्रोजन दो है, यानी संतुलित कौन है? बी नंबर। तीर के बाईं तरफ कुल परमाणु संख्या और तीर के दाईं तरफ परमाणु कुल संख्या जिस समीकरण में समान होगी उसी को संतुलित समीकरण कहते हैं। बाएं तरफ कुल परमाणु संख्या, दाएं तरफ कुल परमाणु संख्या समान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? यहाँ देखिए, यहाँ लोहा एक है तो इधर लोहा दो है तो संतुलित नहीं है, यहाँ लोहा एक है तो यहाँ लोहा एक है ठीक है, क्लोरीन यहाँ दो है तो यहाँ क्लोरीन तीन है, ये भी संतुलित नहीं है। इसमें आइए तो KBr में K यहाँ एक है तो यहाँ भी K एक है ठीक है, ब्रोमीन एक है तो इधर ब्रोमीन दो हो गया तो ये भी संतुलित नहीं है। लेकिन इसमें देखा जाए नाइट्रोजन एक एक दो तो नाइट्रोजन इधर दो हो गया, हाइड्रोजन कितना है चार है तो यहाँ भी हाइड्रोजन दो दो नहीं के चार, ऑक्सीजन दो है तो देखिए दो इधर लगा है ऑक्सीजन में, तो इसका मतलब क्या कि 34 का डी यहाँ भी ये डी नंबर ही संतुलित होगा। चलिए देखिए निमित्त में कौन सा समीकरण संतुलित है? यहाँ देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है चार, तो इधर हाइड्रोजन चार है, ऑक्सीजन कितना है दो, यहाँ भी ऑक्सीजन दो है तो ये संतुलित है ए नंबर। यहाँ देखिए इसमें हाइड्रोजन दो गो है तो यहाँ हाइड्रोजन दो गो, यहाँ क्लोरीन दो गो तो यहाँ भी क्लोरीन दो गो, तो ये भी संतुलित है। और यहाँ देखा जाए KCl में ये भी देखिए K2KCl और 3O2 ये भी संतुलित है। यहाँ क्वेश्चन गलत है, यहाँ होना चाहिए निमित्त में कौन सा समीकरण असंतुलित है होना चाहिए था, इस क्वेश्चन पे हमको ध्यान देना होगा, यहाँ लिखना होगा कौन सा समीकरण क्या है असंतुलित है, क्योंकि यहाँ तीनों समीकरण संतुलित है, देखिए ए बी और डी, इसका सही जवाब जो होगा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा सी, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, गौर करेंगे कौन सा समीकरण असंतुलित है लिखना होगा यहाँ पे ठीक है, तब जाके जवाब होगा क्या इसका सही सी, तो संतुलित कहेगा तो तीनों संतुलित हो जाएगा ए बी और डी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, इसके 36 का जवाब होगा ए नंबर। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो होता है कैसा होता है? FeSO4 का रंग कैसा होता है? तो उसका रंग जो होता है हरा होता है, 37 का बी नंबर। चलिए अगले तरफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? तो इसका धुएं का रंग कैसा होता है? लाल भूरा होता है ना, भूरा होता है, तो 38 का ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिला देगा, तो सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाने पर क्या होगा? उसका रंग जो होगा ना सोडियम बाइकार्बोनेट का रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाता है। 39 से क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। अब इस जब मैग्नीशियम के फीते को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो चमकीला उजला, उसको आप देख भी नहीं सकते, इतना चमकीला होता है कि देखने पर आंख खराब हो जाएगा, तो 40 का सही जवाब होगा सी नंबर, चमकीला उजला होगा। एक जांच प्रणाली में लिए गए लोहे की विलयन में लोहे की किल को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित होकर के नीला हो चुका है, मैंने CuSO4 में बदल चुका है, तो उस जांच प्रणाली में के विलयन में क्या था? तो जांच प्रणाली के विलयन में क्या रहा होगा? CuSO4 रहा होगा। तो 41 का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर ठीक है, क्योंकि लोहे किल को डुबाने पर क्या हो गया, आधे घंटे बाद विलयन पर जो रंग था परिवर्तित होकर क्या हो गया? नीला हो चुका, तो CuSO4 रहा होगा ना। दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? तो दूध से दही का बनना जो है ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसके फलस्वरूप जब नया पदार्थ बन जाता है तो फिर वापस पहले पदार्थ में कन्वर्ट नहीं होता है, तो दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक। 43 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, लौह चूर्ण के ऊपर तनु हाइड्रोलिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है, लौह चूर्ण के ऊपर HCl डालेंगे तो निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होगी? तो हाइड्रोजन गैस और क्या बनेगा? फेरस क्लोराइड। इसका 45 का जो जवाब होगा ए नंबर होगा, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है 45 का ए। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन चूना पत्थर या संगमरमर का रासायनिक सूत्र है? तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ठीक है, ये सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल भी होता है चूना पत्थर, इसी से सीमेंट बनता है ना, तो CaCO3 चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम CaCO3, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, अंडे का कवच भी इसी से बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में कौन कली चूना या खाने वाला चूना या बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है? तो कली चूना को खाने वाला चूना भी कहते हैं या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, यहाँ पे लिखे हम, तो कौन सा जवाब? CaO। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है, भखरा चूना है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बी नंबर, अभी वहां लिखे हम 48 का बी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र कौन है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं,
49 का क्या हो जाएगा, सी एन एच। निभिद में कौन मेथेन का अणु सूत्र है, तो मेथेन का अणु सूत्र क्या हो जाएगा, सी एच फोर। 50 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सही है, तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, डेकाहाइड्रेट, तो ये 10 वाला सही होगा ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये दो भी सोडा का अणु सूत्र हो जाएगा आपको, तो 51 का डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, लाल तत्व लोहे के ऊपर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक बनता है, तो कौन सा यौगिक बनता है, Fe3O4 बनता है। लाल तत्व लोहे के ऊपर जलवाष्प प्रवाहित करेंगे, Fe के ऊपर H2O प्रवाहित कर दीजिए जलवाष्प, तो क्या बन जाएगा, Fe3O4 प्लस H2 गैस निकल जाता है। तो यहाँ कौन सा जवाब सही होगा आपको, तो यहाँ जवाब सही हो जाएगा सी नंबर, 52 का जो होगा सी नंबर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आप लोग इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ करके 2-3 बार इस वीडियो को लगातार देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।